एक्स इज 9.4, इसमें करना है मल्टीप्लाई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सब में ऐसे ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही मल्टीप्लाई करना है आपस में नंबरों को। क्वेश्चन नंबर एक है, ये दे रखा है इधर, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करना है, तो जो एंड लिखा हुआ है ये हटा देना, प्रोडक्ट मतलब दोनों को पास पास लिखना है ऐसे, 2x + 5 एंड 4x - 3 ऐसा लिखना है। चाहो तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन कर सकते हो ऐसे, या फिर आप ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट का मतलब यही होता है, दोनों ब्रैकेट बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं। अब इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसे लिखना है आप, 2x को मल्टीप्लाई करना है 4x - 3 से, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है। आगे लिखा हुआ है प्लस का 5, इस प्लस के 5 को भी इस पूरे नंबर 4x - 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इससे, 2 4 8, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर, x into x x square। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन का ध्यान रखना है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 हो गया आपके 6x। अब यहाँ पर करेंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 5 4 20, एक्स का एक्स, प्लस माइनस माइनस, इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई किया वैसे इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15। अब स्क्वायर वाले में स्क्वायर वाला ही ऐड होगा, यहाँ स्क्वायर है और कहीं स्क्वायर नहीं है तो ऐड नहीं होगा, ये एक्स है तो एक्स वाले में एक्स वाला ऐड हो जाएगा, ऐड या लेस कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले ये रहा 8x², इसके जैसा कहीं और है ही नहीं। अब ये दोनों एक्स हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस करना है, 20 - 6 = 14x, बड़ा कौन सा है, प्लस वाला बड़ा है, पीछे है माइनस का 15, ऐसे कर, ये वाला भी सेम हमें ऐसे ही करना है, y - 8 को मल्टीप्लाई करना है 3y - 4 से, ऐसे ही करना है सेम। पहले ये वाला वाई को दोनों से मल्टीप्लाई करना था, आपको लिखना है y 3y - 4। अब बीच में हमें हमेशा ये लगाना है साइन। अब वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर है -8, तो -8 को मल्टीप्लाई करना है 3y - 4 से। अब पहले यहाँ मल्टीप्लाई करो, वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y² क्योंकि एक वाई बढ़ जाएगा। अब y को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4y। अब यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, माइनस, अब -8 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ आगे प्लस है आगे माइनस है, 8 3 = 24 वाई का वाई, फिर माइनस, फिर माइनस 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 प्लस, 8 4 = 32। स्क्वायर कहीं पर नहीं है, केवल नंबर कहीं पर नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, तो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। यहाँ पर है 3y² माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब प्लस करना है केवल, 24 + 4 = 28, दोनों को प्लस कर दिया, ये 24 है और ये 4 है, ऐड लेस करने पर y नहीं बढ़ेगा, y तो y रहेगा, और माइनस माइनस प्लस का मतलब केवल ऐड करना है, साइन चेंज नहीं होगा, बड़ा नंबर माइनस का तो यहाँ माइनस, फिर दे रखा है प्लस का 32। ऐसे आपको सेकंड सॉल्व करना, थर्ड वाला यहाँ पर ऐसा दे रखा है तो पहले एंड लिखा, पहले ऐसे लिखो 2.5L - 0.5M और 2.5L + 0.5M। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, पहले वाले क्वेश्चन जो थे यहाँ नंबर अलग थे, यहाँ पर नंबर अलग थे, तो आप चाहो तो उसको भी, इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह कर सकते हो, नया मेथड अपना सकते हो। देखो यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है, ये आइडेंटिटी लगाकर भी कर सकते हो, एक बार तो है दोनों माइनस में और एक बार है दोनों ही प्लस में, तो उसका मतलब होता है a² - b², ये आइडेंटिटी लग जाएगी, चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आइडेंटिटी अगली वाली एक्सरसाइज में आएगी, मैं पहले से दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a तो हो गया 2.5l और b हो गया है आपके 0.5m, ये तो आपका ए है, देखो ए बी माइनस और प्लस है,
तो 2.5 × 2.5 आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना रफ में, तो आंसर आएगा 6.25। और एल का स्क्वायर लगा हुआ है तो एल का स्क्वायर से ऐसे यहाँ पर होगा, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो ये आएगा 0.25। एम स्क्वायर का हो जाएगा एम स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा फटाफट। और नहीं तो आप, मैंने पहले बताया था, उस तरह कर सकते हो, आइडेंटिटी याद नहीं है तो ऐसे कर सकते हो, जैसे ये दे रखा है 2.5 L प्लस 0.5 M, क्या करना है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2.5 L को मल्टीप्लाई करना है 2.5 L प्लस 0.5 M। अब इस नंबर को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 0.5 M को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 L प्लस 0.5 M, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब ये वाला नंबर दो बार आएगा, ये नंबर एक बार आगे एक बार यहाँ। अब 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया था कितना आया था 6.25, और L इंटू एल एल स्क्वायर प्लस 2.5 × 0.5, अब पॉइंट भूल जाओ एक बार, 25 × 5 = 125, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, तो हो गया 1.25। L भी है और M भी है, तो ये आएगा एल एम। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे सेम, ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर सेम ही है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1.25 L M, बस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.25 M² जो मैंने यहाँ पर किया था इधर, ये बात। अब ये प्लस का भी है और माइनस का भी है, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर जो ऊपर आया था सेम वही आ रहा है 6.25 L². अब यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस क्या था, माइनस ये आएगा माइनस का 0.25 M², तो या तो पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह कर लो, या अगर ये तभी नियम काम आएगा जब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हो और दोनों ही वैल्यू सेम हो, जो 2.5 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी, ये यहाँ पर है तो यहाँ पर सेम मिलते हैं तभी काम करेगा, नहीं तो फिर आपको सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 4th, इन दोनों मल्टीप्लाई करना, पहले स्क्वायर से लिख दो, a प्लस 3b को आपको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से। अब ये जो नंबर है ये दो बार लिखना पड़ेगा आपको, x प्लस 5 यहाँ पर भी, x प्लस 5 यहाँ पर भी, आगे है a, बाद में है प्लस का 3b, तो वो यहाँ बीच में लिखेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है a इंटू x, ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, ए इंटू 5 5a, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3b × x 3bx 3b × 5 3 5 = 15, और b का a x यहाँ पर है और कहीं पर है ही नहीं, a यहाँ पर है और कहीं पर नहीं, ओनली a, ओनली bx कहीं पर है क्या, नहीं है, और ओनली b भी कहीं पर नहीं है, चारों ही अलग अलग है, तो कोई भी नंबर किसी में ऐड होगा ही नहीं, तो यही हमारा क्या रहेगा आंसर। अब ये वाला करते हैं, 2pq + 3q² को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है -2q². अब जो नंबर पीछे लिखा हुआ है उसको हमें दो बार लिखना है, 3pq - 2q² 3pq - 2q². अब ये जो आगे लिखा हुआ नंबर है वो आगे लिखेंगे, और पीछे लिखा हुआ नंबर यहाँ बीच में लिखना है। अब करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 = 6, पी यहाँ पर हो गया 2 × p² क्यू भी हो गया q² माइनस, अब ये माइनस माइनस आएगा, आगे प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, अब 2 × 2 = 4, पी अकेला ही है, अब क्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया क्यू क्यूब 3 हो गए। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9, पी तो आपके 1 है और क्यू हो गया कितने टाइम, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ये हो गया 3 प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6, क्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्यू की पावर कितनी आ गई 4,
अब यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर है और कहीं स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पावर फोर है और कहीं पावर फोर नहीं है, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे। ये दोनों मैच कर रहे हैं, यहाँ पर भी पी क्यू क्यूब, यहाँ पर भी पी क्यू क्यूब, दोनों सेम मिल रहे हैं। तो अब एड लेस करना, अब नंबरों को ध्यान रखना है, 9 - 4 = 5, ज़्यादा कौन सा है, प्लस वाला, और ये जो लिखा हुआ ना ये दोनों दोनों में से कहीं एक जगह लिखना है आपको पी क्यू क्यूब, ऐसे ऐसा नहीं इसको बढ़ा दो, एड लेस करते समय बढ़ता नहीं, ऐसे ही रहता। नेक्स्ट दे रखा है, पहले सही कर दो इसको, ये हो जाएगा आपके 3/4a² + 3b² अपरोट करना है। अब क्या करना है, पहले यहाँ नंबर बाहर दे रखा है तो पहले इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाले से भी, 4 * a² कितना हो जाएगा, 4 * a तो ये हो जाएगा 4a² इसको इसके भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी करना है तो ऊपर ऊपर ही होगा मल्टीप्लाई, 4 * 8/3b². अब वापस मल्टीप्लाई करना है तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, ये दो बार आएगा, ऐसे लिख दो इसको शॉर्ट में, 4a² - 8/3b², ये यहाँ वापस लिख दो, 4a² - 8/3b² मतलब ये नंबर एक बार आएगा आगे 3/4a² और ये नंबर जो है ये आपको यहाँ लिखना ऐसे लिख दो या फिर पहले जमाए जैसा लिख सकते, तो करो मल्टीप्लाई, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अलग अलग मल्टीप्लाई ऐसा कर सकते हो, 3/4a² को मल्टीप्लाई करना है 4a² से, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते, फिर माइनस इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3/4a² को मल्टीप्लाई करना है 8/3b² प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों से, पहले इसको इससे करना है तो 3b² को मल्टीप्लाई करना है 4a² से, फिर माइनस का माइनस इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3b² को मल्टीप्लाई करना है 8/3b² अब यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 4 * 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारा आंसर आया 3a, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाई है ना तो पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर 4। अब यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल और 4 का डिवाइड जाएगा 8 में, कितनी बार, 2 टाइम, a² b² फिर आएगा प्लस, 4 * 12 a² b² अब यहाँ पर भी 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल और ये माइनस दे रखा है तो माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके 8 b, यहाँ भी है यहाँ भी है तो b हो गया 4 टाइम। अब a 4 टाइम यहाँ पर है और कहीं नहीं है, ये भी यहाँ पर है, ये दोनों सेम मिल रहे हैं, a² b² यहाँ भी, a² b² यहाँ भी, तो आगे वाला सेम लिखेंगे पीछे वाला सेम आएगा। अब यहाँ पर 12 तो प्लस का है 2 माइनस का है, 12 - 2 = 10, a² b² ज़्यादा कौन सा है, 12. प्लस वाला ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 में साइन प्लस का ज़्यादा है तो यहाँ पर 12 - 2 = 10, पॉजिटिव ज़्यादा आएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रोडक्ट ही है, बस यहाँ पर बीच में एंड लिखा हुआ था, यहाँ पर एंड लिखा हुआ नहीं है, बस समझ लो सेकंड वाली लाइन लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो ये नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दो बार, ऐसा लिख दो 3 + x 3 + x। अब ये आगे वाला नंबर आगे लिखना है, पीछे वाला नंबर पीछे लिखना है, साइन के साथ लिखना है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस मान लेते हैं, ऐसे तो फर्क नहीं पड़ता। अब करो मल्टीप्लाई, 5 * 3 = 15, 5 * 1 = 5x, -2 * 3 = 6, प्लस माइनस माइनस और 2 * 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 2 का 2 x * x = x²
ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ये दोनों सेम है, इसके पीछे भी एक्स, इसके पीछे भी एक्स, 15 हो गया। अब 6 माइनस का है 5 प्लस का, तो 6 माइनस 5 इजिकल टू 1x। अब ये 1x ऐसे लिखो या 1x, ये भी 1x है, ये भी 1x है, तो ऐसे लिख दो। ज़्यादा कौन सा वाला है, माइनस वाला बड़ा नंबर है तो माइनस आएगा, फिर है माइनस 2x स्क्वायर। इसकी जगह आप माइनस का 1x भी लिख सकते हो। अब ये वाला, ये नंबर, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 के पास, 7 के पास y है, और यहाँ पर 7 के पास क्या है, x है, दोनों अलग अलग है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको भी करना है। ये नंबर दो बार आएगा, ऐसे लिख दो 7x माइनस y। अब x आएगा आगे और प्लस 7y आएगा पीछे। अब x इंटू 7x स्क्वायर, केवल x बटेगा, x से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों में एक एक x बढ़ जाएगा, इसमें x बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, 7 × 7 49, x भी है और y भी है। फिर यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7y × y, 7y स्क्वायर। ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, लेकिन ये दोनों सेम है, यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है। यहाँ कुछ नहीं, आगे क्या मानते हैं, 1। पहले कहा था कुछ नहीं होता, आगे क्या मानते हैं, 1। 49 प्लस का और 1 है माइनस का, 49 − 1 = 48। ज़्यादा कौन सा दोनों में, प्लस का 1 तो कम है, लेकिन प्लस का 49, ये तो माइनस का है 1 और प्लस का 49 है, तो 49 ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है, तो प्लस आ जाएगा। पीछे दे रखा है −7y². नेक्स्ट दे रहा है थर्ड। अब यहाँ पर ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है, तो ये नंबर ऐसे लिखेंगे हम a + b² और यहाँ भी लिखेंगे a + b². अब आगे वाला नंबर आगे लिखना है और ये पीछे वाला पूरा साइन के साथ यहाँ लिखना है। अब a² × a, a³, a² × b², तो ये आएगा a²b², a × b, ab, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो b यहाँ पर है 2 times, यहाँ 1 time, तो हो जाएगा 3 times। अब a³ यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, a²b² यहाँ पर है और कहीं नहीं है, ab यहाँ पर है और कहीं नहीं है, सभी अलग अलग नंबर है, तो आगे एडलेस होंगे ही नहीं, तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। अब यहाँ पर p² को मल्टीप्लाई करना है इससे 2p + q से, फिर माइनस के q² को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 2p + q से। अब p² मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 2p³, p एक यहाँ पर है, 2 times यहाँ पर है, p² मल्टीप्लाई बाय q, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p² q, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, p तो है 1 time और q है आपके 12 times, प्लस माइनस माइनस, q² 1 2 times यहाँ पर, 1 time यहाँ पर, तो q³ और चारों का चारों अलग अलग है, कोई किसी से मैच नहीं करता, यहाँ पर p पर स्क्वायर है जबकि यहाँ पर q पर स्क्वायर है, ये q पर क्यूब है, यहाँ पर p पर क्यूब है, तो सभी क्या है, अलग अलग। नेक्स्ट देर का है, इसमें आपको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये अलग लिखा हुआ है +25, ये अलग ही रहेगा, अलग ही रखना है। पहले क्या करना है, x² को मल्टीप्लाई करना है किससे, x + 5 से, फिर माइनस के 5 को भी मल्टीप्लाई करना है x + 5 से, और पीछे दे रखा है 25, ये तो पहले जैसे ही है, बस ये नंबर थोड़ा नया आया। अब क्या होगा, x को मल्टीप्लाई करो x से, x³, x² × 5 प्लस का 5x² अब −5 × x, तो माइनस का 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 = 25, ये तो इसका 25 लिखा, पीछे क्या लिखा हुआ है, +25, ये माइनस में भी है और ये प्लस में भी, कट गया 25 − 25 = 0, कट गया पीछे। अब यहाँ पर ये तीनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है, तीनों अलग अलग है, हमारा आंसर होगा x³ + 5x² माइनस का 5x, ऐसे अलग अलग लिखना है। अब ये वाला,
ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे, बी क्यूब प्लस फाइव से, फिर प्लस के फाइव को मल्टीप्लाई करना है वापस से बी क्यूब प्लस थ्री से, क्या थ्री है ना, इसको ये नंबर यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, प्लस क्या हो गया आपके फाइव, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इजिकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर इंटू थ्री, थ्री ए स्क्वायर, फाइव इंटू बी क्यूब, फाइव बी क्यूब, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन प्लस फाइव, ये तीनों अलग अलग है तो तीनों का हमें वापस से ऐसे ही लिखना है, ये स्क्वायर है ये क्यूब है, प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस फाइव बी क्यूब, ये दोनों सेम है, इसके पीछे भी कुछ भी नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो 15 प्लस 5 इजिकल टू कितना हो गया 20, ऐसे दोनों को हम ऐड कर लें। ये क्वेश्चन देर का है, इसमें t को मल्टीप्लाई करना है इससे t स्क्वायर माइनस s से, फिर इस s स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करना है t स्क्वायर माइनस s से, ये s देर का है, ये और ये अलग अलग है उसकी तरह नहीं, क्योंकि यहाँ t है लेकिन यहाँ t स्क्वायर है, अलग अलग नंबर है। अब यहाँ पर क्या करना है, t को मल्टीप्लाई करना है t स्क्वायर से, ये हो जाएगा t क्यूब s इंटू टी एस टी, एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है t स्क्वायर से, ये आएगा एस स्क्वायर टी स्क्वायर, एस स्क्वायर यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा s क्यूब, चारों के चारों अलग अलग है, यहाँ पर t है यहाँ पर s है यहाँ पर अलग अलग, ये जो है यहाँ पर सेम मिल नहीं रहा है, यही आंसर है। अब ये वाला, इसमें पहले इस a को मल्टीप्लाई करना है किससे, c माइनस डी से, फिर प्लस के b को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, c माइनस डी से, इधर भी ऐसे करना है आपको, प्लस के a को मल्टीप्लाई करना है किससे, c प्लस डी से, फिर इस माइनस को b को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, c प्लस डी से। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना दोनों से, तो 2 इंटू ए सी, 2 ए सी, 2 इंटू बी डी, 2 बी डी, अब पहले इनको सॉल्व करो, a इंटू सी ए सी, ए इंटू डी ए डी, बी इंटू सी बी सी, बी इंटू डी बी डी, ए इंटू सी ए सी, और ए इंटू डी ए डी, बी इंटू सी बी सी, बी इंटू डी बी डी, पीछे दे रखा है प्लस का टू ए सी प्लस का टू बी डी। अब देखो बी डी कहाँ कहाँ पर है, ये रहा बी डी और ये रहा बी डी, कितनी बार हुआ, दो बार, किसमें हुआ, एक और एक, दोनों बार माइनस में ही है, ये हो गया माइनस में हो गया है टू टाइम बी डी। ऐसे देखो एक बार एसी एक बार और एसी, तो कितना हो गया आपके दो और दो, एक और एक कितना हो गया, दो बार एसी, एसी यहाँ पर भी है, तो टू है, वो बाद में लिखेंगे, टू काम नहीं आता, नंबर देखना पीछे वाला, फिर ये क्या लिखा, और अच्छा ये भी साथ में ऐड कर सकते हो, एक बार ये रहा एक बार ये रहा, दो हो गया, दो और दो कितना हो गए, चार बार, तो इसको भी ले लेते हैं, ये भी हो गया। अब बी डी भी कर सकते हो, ये रहा प्लस का टू बी डी, अब ए डी यहाँ पर भी है, ए डी यहाँ पर भी है, एक बार है माइनस में और एक बार है प्लस, ये वाला कैंसिल हो गया, ये का प्लस और माइनस वाला क्या हो गया कैंसिल, फिर ये बी सी, बी सी एक बार प्लस में भी है और एक बार माइनस में, अब यहाँ पर देखो बी डी यहाँ पर भी है, बी डी यहाँ पर भी है, दो बार प्लस में और दो बार ही माइनस, तो ये भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या बचा है, फोर एस, सारे नंबर ऑटोमेटिक कट जाएंगे, पीछे ए सी ए सी बचेगा, वो भी कितनी बार, फोर टाइम। अब यहाँ पर डबल डबल क्वेश्चन है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग फिर प्लस करना है, पहले इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टू एक्स प्लस वाई से, फिर प्लस के वाई को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टू एक्स प्लस वाई, इसको पहले कंप्लीट सॉल्व करना है, फिर क्या है आपके प्लस, अब यहाँ पर अलग सॉल्व करना है, x को मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस वाई से, फिर प्लस के 2y को मल्टीप्लाई करना है किससे, x माइनस वाई, करो सॉल्व,
एक्स इंटू टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, या मतलब प्लस टू इंटू एक्स, एक्स वाई, प्लस वाई इंटू वाई, वाई। अब यहाँ पर प्लस है तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, सॉल्व करना है जो है वही रहेगा, प्लस है प्लस रहेगा। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, यहाँ मल्टीप्लाई करो प्लस का टू एक्स वाई, माइनस टू वाई इंटू वाई, टू वाई स्क्वायर। ये देखो सेम प्लस में और सेम माइनस में, बाकी वाले ऐड करो। ये तो है टू टाइम प्लस में और ये है वन टाइम, दोनों ही प्लस के ही हैं, तो टू प्लस वन थ्री, टू एक्स वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों ही प्लस के हैं, तो टू और टू कितने हो जाएंगे, फोर एक्स वाई, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो टू माइनस वन, वन वाई स्क्वायर। और ज़्यादा कौन सा बड़ा, बड़ा वाला है, माइनस वाला बड़ा है, सही ढंग से ऐड लेस करना है नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे से, x को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस y को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब, सब में एक एक x बढ़ जाएगा, x इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान रखना, देखो ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, ये है प्लस का, तो ये है कट गया था, हमारे पास क्या बचा है, एक्स क्यूब प्लस वाई, ये आइडेंटिटी भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू, ये आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है सेवन्थ, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करना, लास्ट में लिखा हुआ है, तो 1.5x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, 1.5x प्लस 4y प्लस का 3। अब इस माइनस के 4y को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, पीछे दे रखा है माइनस का 4.5x और प्लस का 12y, करो मल्टीप्लाई, 1.5 इंटू 1.5 इजिकल टू होता है 2.25, रफ में मल्टीप्लाई कर देना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट भूल जाएगा, 15 समझ, 15 फोर जा 60, और पॉइंट के कारण जीरो हट जाएगा, y का y, तो 6.0 लिख सकते हो, 1.5 इंटू 3, 4.5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करने को। अब यहाँ पर करेंगे तो 15 फोर जा 60, यहाँ पर ध्यान रखना एक्स वाई है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जा 16 वाई स्क्वायर, 4 जा 12y, ये तो इसको किया मैंने, पीछे क्या लिखा हुआ है, 0.4x प्लस 12y। अब देख ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, ये वाला 6x प्लस का, ये वाला माइनस का, अब देखो ये वाला 12y माइनस में 12y कट गया, केवल ये दो बचे, 2.25x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर तीन तीन वैल्यू, इधर भी तीन इधर भी, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को मल्टीप्लाई करना है तीनों से, a प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस के b को मल्टीप्लाई करना है तीनों से, a प्लस बी माइनस सी, फिर इस प्लस के c को मल्टीप्लाई करना है तीनों से, a प्लस बी माइनस सी, a को मल्टीप्लाई, b को तीनों से, फिर c को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना, करो मल्टीप्लाई, a इंटू ए, ए स्क्वायर, ए इंटू बी, ए बी, ए इंटू सी, ए सी, ए इंटू बी, ए बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बी इंटू सी, बी सी, ए इंटू सी, ए सी, ए सी इंटू बी, बी सी, और सी इंटू सी, सी स्क्वायर।
जो मिलता है वो काट दो, कटता है जो काट दो, मतलब कहाँ कहाँ कटता है तो काट सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखना है ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये किस में है आपके माइनस में। अब ए बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक और एक कितना हो गया, टू टाइम ए बी। बी सी देखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कट गया। ए सी देखो, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये हमारा क्या हो गया आंसर।